आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Now our question is, if a square and a rhombus stand on the same base, then the ratio of the area of the square to the rhombus is option 1 greater than 1, second option equal to 1, third option equal to half, fourth option equal to 1/4, ठीक है? तो हम इसको पहले फिगर से देखते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? एक हम पहले स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है? अब एक रोम्बस बनाते हैं, तो रोम्बस जिसके चारों साइड इक्वल होंगे एंड स्क्वायर के भी चारों साइड इक्वल होंगे, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज कि दोनों का बेस का लेंथ इक्वल है, तो मीन्स सबों के साइड्स इक्वल है, ठीक है? तो ये लाइन कभी भी रोम्बस की ये लाइन इसके इक्वल कब आ सकती है? जस्ट जब वो इसका ये वाला स्लेंट है वो स्ट्रेट हो जाए, तभी ये उसी के हाइट तक आ सकती है। जैसे उसकी हेड तक कब आएगी? जब वो उसके इक्वल हो जाए, ठीक है? तो अब हम इसका ये रोम्बस अगर ऐसा होगा, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड उसका स्क्वायर भी ऐसा आएगा, ठीक है? अब लेट कर लेते हैं, उसका ये साइड ए है एंड ये हाइट एच है, ठीक है? तो अभी हमने जाना कि ए ऑलवेज ग्रेटर होगा और इक्वल टू हो सकता है एच के, ठीक है? नाउ हमें अब पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, जस्ट साइड का मल्टीप्लिकेशन। एंड एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? बेस इनटू परपेंडिकुलर, ठीक है? तो अब हमें निकालना क्या था? रेशियो, एरिया ऑफ स्क्वायर बाय एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए इनटू एच, ठीक है? तो एक के से एक कट गया, तो ये आ गया ए बाय एच। तो अभी हमने पता किया था ये एच ऑलवेज लेसर होगा ए से, ठीक है? बस एक ही कंडीशन है इक्वल हो सकता है, तब जब ये दोनों बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हो, ठीक है? तो ए बाय एच ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है? तो ये से हमारा गया, ये हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगा, तो मींस ऑप्शन वन इज करेक्ट, ऑलवेज ग्रेटर देन वन इज राइट ऑप्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।